नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट जिसके अंदर पैरालिसिस हुआ है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, जिसके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, उसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें पेशेंट को ठीक करने में, कि वो क्लॉट ठीक होगा तो ही पेशेंट ठीक होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं क्लॉट के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक किस वजह से होता है। तो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके अंदर ब्रेन की जो टिश्यू होते हैं, ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है क्लॉट की वजह से, कि आपकी जो खून ले जाने वाली सप्लाई है, जो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाती है, फूड पहुंचाती है, उसमें कभी कोई क्लॉट फंस जाए तो क्या होता है कि दिमाग के एक हिस्से को ब्लड नहीं पहुंच पाता, और जब ब्लड नहीं पहुंचता इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, ऑक्सीजन के साथ साथ फूड नहीं पहुंच पाया, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हंग्री होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं आपकी बॉडी की छोटी से छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और यही ऑक्सीजन अगर रुक जाती है तो क्या देखा जाता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये मरना शुरू कर देते हैं, ये मर जाते हैं। तो पेशेंट जब साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो अक्सर वो क्वेश्चन पूछ पाता है कि ये मेरा क्लॉट कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, ये जो मेरी सीटी स्कैन में क्लॉट आता है ये कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जिनको दिक्कत पैरालिसिस हुआ है क्लॉट की वजह से, इनफ्रैक्ट की वजह से, पहले ये चीज़ जान लो, क्लॉट अगर आपका डिसॉल्व हो भी गया तो भी आपके हाथ पैर की कार्य करने की क्षमता पे उसका 1% भी फर्क नहीं देखने को मिलता। ये क्लॉट डिसॉल्व तब होना चाहिए जब पहले 4 घंटे के अंदर, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, खून का थक्का रहा है, अगर पहले 4 घंटे के अंदर सही ट्रीटमेंट मिल जाता है, ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर हाथ पैर की जो क्षमता है वो महीने भर के अंदर काफ़ी अच्छी सुधर जाती है, उसको किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती। अगर पेशेंट ये 4 घंटे लेट हो जाता है, इससे ज़्यादा पुराना हो जाता है उसका पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक, तो ये जो नुकसान है ब्रेन के अंदर जो हुआ है वो परमानेंट होता है, वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सेल्स मर गए, ख़त्म, फिनिश हो गए हैं, उनको फूड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ पर जो सेल्स थे वो डेड हो गए। क्योंकि अब जो क्लॉट है वो अभी भी आपके ब्रेन के अंदर है, तो अगर वो डिसॉल्व हो भी जाएगा तो आपके मरे हुए जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो दोबारा से ज़िंदा नहीं होते। इसलिए क्लॉट का होना और क्लॉट का डिसॉल्व हो जाना, एक पैरालिसिस पेशेंट जिसको पैरालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, 4 घंटे बीत चुके हैं, उसके अंदर उसका कोई भी फर्क पेशेंट की हाथ पैर की कार्य करने की क्षमता के अंदर नहीं देखा जाता। इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए अक्सर पेशेंट्स को हम जो मेडिसिन दी जाती हैं वो ब्लड थिनर होते हैं, खून को पतला करने की दवाई, और वह आपकी प्रिस्क्रिप्शन में आप काफ़ी लंबे टाइम से ले भी रहे होंगे, और अगर आप उसको ले रहे हैं तो खून अगर आपका पतला हो भी गया, क्लॉट डिसॉल्व भी हो गया, तो भी अगर आपने देखा होगा कि आपने सीटी स्कैन जब पहले करवाया था तो उसमें क्लॉट था, और जब आपने कुछ टाइम बाद करवाया तो उसमें क्लॉट नहीं था, मगर क्लॉट के होने या ना होने से आपके हाथ की पैर की कार्य करने की क्षमता पर 0% फर्क आता है, कि वो उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जिनको पैरालिसिस हुआ है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक में भी खासकर क्लॉट की वजह से, इंफ्रैक्ट की वजह से, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि क्लॉट आपकी रिपोर्ट में आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पैरालिसिस के ठीक होने की चीज़ के ऊपर। अगर आप पैरालिसिस को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने पैरालिसिस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप इस बात को समझो, जब आपके ब्रेन को, सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उसको एनर्जी नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो वो मरना शुरू हो गए। अब जो ब्रेन का हिस्सा काम करता था, जो मरा है खून ना मिलने की वजह से, वो काम जो अब क्या ब्रेन क्या करेगा, बाकी जो सही हिस्से हैं उसको वो डिवाइड कर देता है कि थोड़ा थोड़ा काम सारे के सारे कर लो। तो अब क्या होता है कि जब आपको स्ट्रोक हुआ है तो आपके हाथ की फंक्शनिंग बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल काम नहीं कर पाता था, बिल्कुल हिला नहीं पाते थे, और अगले 6 महीने के अंदर जैसे जैसे वो काम को ट्रांसफर करना शुरू करता है, आपका हाथ धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट उसमें आनी शुरू होती है।
आपका पैर चलना शुरू हो जाता है, आपकी कार्य करने की क्षमता थोड़ी सुधर जाती है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब ये 6 महीने बीत जाते हैं, ब्रेन को अपने अंदर जितने चेंजेस लाने थे वो लाने होते हैं, वो ला चुका होता है, और उसके बाद वो चेंजेस लाना बंद कर देता है, वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना बंद कर देता है, आपके हाथ पैर के अंदर इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है, और आप पैरालिसिस के अंदर आप अपनी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, मगर आपके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिल रही। शुरुआत होती है दिक्कत की वहाँ से। यहाँ से आपकी हेल्प करता है साइंस संजीवनी। साइंस संजीवनी क्या करता है? आपके ब्रेन को आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवाता है, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन के सेल्स में है और आपके ब्रेन के पास कैपेसिटी है इस काम को ठीक करने की, आपके कार्य की क्षमता को लाने की। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। हम जो मेडिसिन देते हैं साइंस संजीवनी के अंदर, वो पर्टिकुलरली आपके ब्रेन सेल्स पर काम करती है, और ब्रेन की जो कार्य को डिवाइड करने की क्षमता है, कार्य को जो आपके हाथ पैर की वापस आई है क्षमता, उस क्षमता को वो बढ़ाता है और क्या करता है, उस चीज़ को साधना शुरू करता है। क्योंकि ये जो ब्रेन के हिस्से होते हैं, इन्होंने ज़िंदगी में ये काम, आपकी मसल्स को कंट्रोल करने का काम ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया होता था, तो ब्रेन को सिखाना पड़ता है, ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, ब्रेन को दोबारा से अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि इन मसल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये चीज़ हर इंसान अपने बचपन में कर लेता है, जब वो चलना शुरू करता है, जब वो खेलना शुरू करता है, तो ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक तरीके से सीख जाता है, ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से सीख जाता है। मगर एक 30 साल के इंसान के अंदर, 40 साल के इंसान के अंदर यही चीज़ को सीखना ब्रेन के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो अपना लर्निंग फेज था वो पीछे रह चुका होता है। तो इस लर्निंग फेज को वापस लाने में आपकी हेल्प करता है साइंस संजीवनी। उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया जाता है, हर बार हर वीडियो में ये बात बताई जाती है कि अगर आप अपने पैर की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ब्रेन अंडरस्टैंड करे आपके पैर को और दोबारा से सही तरीके से आपको चलाना में आपकी मदद करे, तो उसको चलाओ, पैर को चलाओ। आप नहीं चल सकते, आपका पैर नहीं चल सकता, फिर भी पेशेंट को चलाया ही जाता है। बेड पे लेट के फिजियोथेरेपी आप करवाते रहोगे, कई कई सालों तक करवाते रहोगे, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप दोबारा नहीं चल सकते जब तक आप दोबारा से खड़े नहीं होते। आपको परेशानी होगी, आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, आपके घर वालों को दिक्कत होगी आपको चलाने में, मगर जब तक आप चलोगे नहीं, पैर अपने ज़मीन पर नहीं रखोगे, अपने ब्रेन को ये अंडरस्टैंड नहीं करवाओगे कि आपकी कमियाँ कहाँ आ रही हैं, क्या दिक्कत आपको महसूस हो रही है, ब्रेन उसको ठीक नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो अगर आप ब्रेन को चलाना चाहते हो, पैरालिसिस को ठीक करना चाहते हो, दोबारा से चलना चाहते हो, तो साइंस संजीवनी की तरफ से आपको एक ही एडवाइस है, चलो, किसी भी तरह चलो, सपोर्ट के साथ चलो, अपने आप चलो, स्टिक के साथ चलो, वॉकर के साथ चलो, चलना ज़रूरी है हर एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए जो अपने आप को ठीक करना चाहता है। जब आप साइंस इंजीनियर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, मेडिसिन आपके ब्रेन में काम करना शुरू करती है, ब्रेन सीखना शुरू कर देता है, जो प्रोसेस रुक गया था वो दोबारा से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसको सिखाना होता है, और सिखाने का काम डॉक्टर की तरफ से बहुत कम होता है, डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, मगर आपको अपने अंदर जो शक्ति होती है उसको दोबारा से इकट्ठा करना होता है, जो आशा आप खो चुके थे चलने की वो वापस लेकर आनी होती है, और आप जब चलते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, खुद अपने पैर रखते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से उसे सीखना शुरू कर देता है कि मेरे क्यों क्या दिक्कत महसूस हो रही है पैर को आगे बढ़ाने में, कहाँ कमी रह रही है, क्यों मेरा पैर आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं उठ पा रहा, क्यों मेरी घुटना नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं मेरा हिप जॉइंट चल पा रहा, तो उसे ऑटोमेटिक इवेल्युएट करना शुरू करता है, और जब वो उसे इवेल्युएट करता है तो उसको ठीक करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी कनेक्शंस होते हैं, ज़रूरी कंट्रोल होता है, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, और वही चेंजेस आपको अपने वीडियोस के अंदर नज़र आना शुरू होता है। क्योंकि साइंस संजीवनी का एक बहुत छोटा सा हम रिक्वेस्ट करते हैं हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कि आप जब साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो एक वीडियो ज़रूर बनाओ, और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद दूसरी वीडियो ज़रूर बनाओ, और दोनों वीडियो को साथ रखकर पेशेंट के अंदर चेंजेस को ज़रूर देखो। इसके बीच में आपको जो परहेज बताया जाता है डाइट का, आपने वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। दूसरा, आपको चलना ज़रूर होता है, क्योंकि पेशेंट अगर चलना शुरू कर देता है, पैर का जो अपना होता है चलना शुरू करता है, तो पेशेंट के पास मोबिलिटी आ जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक हो जाता है, पेशेंट काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट उसमें खुद को फील करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आपको पैर को ठीक करने के लिए चलना पड़ता है। अब आता है सवाल हाथ का, क्योंकि पेशेंट के हाथ के अंदर जो दिक्कत होती है उसको डिजॉल्व करने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि चलने के लिए आपको दोनों पैर चाहिए, एक पैर से आप नहीं चल सकते, है ना।
तो दोनों पैर पे आप चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पैरालिसिस वाले पैर की एक्सरसाइज हो रही है। मगर हाथ के केस के अंदर क्या होता है कि आपका हाथ जो सही है आप सारे काम उससे करना शुरू कर देते हो और अपने पैरालिसिस वाले हाथ को भूल जाते हो कि ये भी कुछ काम करता था, इसकी कोई ज़रूरत थी। तो जब आप अपने हाथ को इग्नोर करना शुरू कर देते हो तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को इग्नोर करना शुरू कर देते हो कि ब्रेन को ज़रूरत है इस हाथ की। जब ब्रेन को हाथ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती तो उसे वो ठीक भी नहीं करता। तो आपको अपने ब्रेन को रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि आपका दूसरा हाथ है और उससे आपको ठीक करना है। तो उसको करने के लिए तरीका क्या है कि अगर मान लो आपके हाथ में बिल्कुल फंक्शनिंग नहीं है, बिल्कुल पैरालाइज है, मान लो मेरा ये हाथ पैरालिसिस वाला है और ये बिल्कुल काम नहीं करता और मैं पैरालिसिस का पेशेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस हाथ को उठाऊँगा, सामान पर रखूँगा, सामान को इस हाथ से मदद करूँगा कि इसको पकड़े और इसको करूँगा। यानी मैं कोई भी काम अपने सिंगल हैंडेड नहीं करूँगा, अपने सही हाथ से नहीं करूँगा, मैं अपने पैरालिसिस हाथ को चाहे मुझे उठा के रखना पड़े, चाहे मुझे सब कुछ करना पड़े, मैं उस चीज़ को करवाऊँगा। जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रेन को ये कमियां महसूस करवाते हैं कि आपका राइट हैंड काम नहीं करता, आपकी फिंगर्स खुल नहीं पाती, आप अपनी फिंगर्स को खोल के चीज़ों को पकड़वाते हैं। तो आप ये ब्रेन को इवेल्युएट करवाते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा क्यों हाथ काम नहीं कर रहा, क्यों ये ढंग से काम नहीं कर पा, और वो ऑटोमेटिक तरीके से इसको ठीक करना शुरू करता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जैसे ही वो इवेल्युएट करेगा, जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरी ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से ठीक होना है। तो पेशेंट जो साइंस इंजीनियरिंग के हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, सभी के लिए एक छोटी सी एडवाइस अपने हाथ को ठीक करने के लिए, या तो काम अपने पैरालिसिस वाले हाथ से करो या फिर दोनों हाथ से करो। अपने सही हाथ से अपने पैरालिसिस वाले हाथ को इग्नोर करके कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो काम सिंगल हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे आपने सिर्फ रिमोट ही क्यों ना उठाना हो। अगर आपने रिमोट भी उठाना है तो भी आप अपने पैरालिसिस वाले हाथ को लेके वहाँ तक जाओगे, उसे उसे पकड़ोगे और उसको लेकर आओ। अगर ये बात हर एक पैरालिसिस का पेशेंट मान लेता है साइंस इंजीनियरिंग की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पहले महीने के अंदर ही आपको अपने हाथ के अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे। बस आपने दो कंडीशन को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन, आपका ब्रेन को रेडी करना है सीखने के लिए, उसमें मदद करता है आपकी साइंस इंजीनियरिंग। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने उसको उसकी कमियां बताते हुए उसको सिखाना है। ये दोनों चीज़ें आप कीजिए, आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। अगर पेशेंट अक्सर हमसे इसके बाद पूछ पड़ता है क्या मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये दोनों चीज़ों को मानते हैं और करना शुरू करते हैं, अपने आप अपनी चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल बेड पर है तो हाँ, उसकी मसल्स को ठीक रखने के लिए थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी करवाई जाती है उससे उसकी मसल्स तो ठीक रहेंगी, बट उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी क्योंकि पेशेंट अपना जोर नहीं लगा रहा। जब तक पेशेंट अपना जोर नहीं लगाता, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ब्रेन को वो दिक्कत महसूस नहीं होती। आप इस बात को समझो, पेशेंट वो भी होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक होते हैं पैरालिसिस के, वो पेशेंट भी होते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होते। इन दोनों पेशेंट्स के बीच में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है वो बहुत मामूली सा होता है। जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, पहली चीज़ वो ठीक होना चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी ताकत लगाते हैं, अपना प्रेशर लगाते हैं, दम लगाते हैं। और दूसरी तरफ वो पेशेंट होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे, उनमें बस यही फ़र्क होता है कि बस वो इंतज़ार हो रहे कर रहे होते हैं किसी चमत्कार का होने का, किसी मैजिक हो जाने का। वो सोचते हैं कि मैं पहले मेरे हाथ में ये चीज़ हो जाए तो मैं ये चीज़ करूँगा। पहले उनको हर चीज़ में एक कंडीशन चाहिए होती है। अगर आपके कोई घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है तो आपको ये चीज़ आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी कि उसके पास हर चीज़ का बहाना होता है। हर चीज़ के ना करने का बहाना है, ना चलने का बहाना है, ना खाने का बहाना है, उसके पास हर चीज़ का एक ना करने का बहाना होता है। अगर ये पेशेंट इस चीज़ को भुला दे कि मैंने ठीक होना है, ये कसम खा ले, मैंने ये काम करना है, मैं ये करके रहूँगा, वो पेशेंट आपको 3 से 4 महीने के अंदर दौड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो फ़र्क है सिर्फ सोच में और सोच के साथ साथ सही ट्रीटमेंट में। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को अगर आपने चलाना चाहते हो, दौड़ाना चाहते हो, तो कभी भी उसके क्लॉट के बारे में परवाह मत करो कि उसके ब्रेन में क्लॉट है या नहीं है। सिर्फ परवाह करो कि उसकी ब्रेन की जो ट्रेनिंग है, ब्रेन का जो इवेल्युएट करता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बस वो करता रहे। और उसके लिए उसके अंदर ज़रूरत पैदा करो उसे ठीक करने की। और ज़रूरत कैसे ठीक पैदा होगी, चल के। पैर की दिक्कत चल के ठीक होगी, हाथ की दिक्कत हाथ से काम लेकर। दोनों हाथ से काम करने की कोशिश करो, आपकी फिंगर चाहे आपकी जितनी मर्जी टाइट हो उन्हें खोलो, चीज़ों को पकड़ो, उनसे महसूस करो।
आपको बे इंतहा दिक्कत होगी। वो दिक्कत होगी जो दुनिया में कोई और इंसान नहीं महसूस कर सकता। किसी को नहीं पता एक पैरालिसिस पेशेंट कितनी दिक्कत महसूस करता है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो। मगर अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट ये ठान ले कि मैंने ठीक होना है, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि उसे कोई भी ताकत ठीक होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके पास इच्छा है, उसके दिमाग के पास इच्छा है। आप इस बात को समझो, उसके दिमाग के पास, उसके मन के पास इच्छा है कि मैंने ठीक होना है, तो वो उस पर कोशिश करता है। जब वो कोशिश ही नहीं करेगा ठीक होने की, तो कोई दुनिया की कोई ताकत उसकी मदद नहीं कर सकती। तो यही एक छोटा सा फलसफा है साइंस इंजीनियरिंग के सफल होने का, कि पेशेंट को समझाना कि पेशेंट की ज़रूरत है, पेशेंट अपने हाथ पैर को समझे, हाथ पैर को इवेल्युएट करे कि वो कहाँ पर कमी कहाँ कर रहा है, कहाँ क्यों नहीं चल पा रहा, कौन से काम करने में उसे दिक्कत महसूस हो रही। और ये दिक्कत उसे कब महसूस होती है, जब वो उस हाथ से काम करता है, जब उस पैर से वो चलता है, तभी तो उसका ब्रेन इवेल्युएट कर पाएगा। जब उसे इवेल्युएट ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या ठीक करेगा, बच्चा कहाँ वीक है, किस सब्जेक्ट में वीक है। वो तो तब पता लगता है ना जब बच्चा पढ़ने पर आता है, जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा कि उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। बिल्कुल सेम हम वो करते हैं आपके साथ, जब आप साइंस इंजीनियरिंग में ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो इस बात को समझते हैं हम आपकी, कि आपका जो ब्रेन है उसको रेडी सबसे पहले करना पड़ता है कि वो सीखे। उसके बाद सीखने के बाद उसको जरूरत देनी पड़ती है कि ये दिक्कत मुझे महसूस हो रही है, इसको ठीक करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, और ये काम ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से करता है। बस फर्क ये होता है जब आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, और जब हम आपको जो कहते हैं आप उस करने में, कि आप उसको इवेल्युएट, ब्रेन उसे इवेल्युएट नहीं कर पा रहा होता। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, आप अपनी फिजियोथेरेपी करवाइए, मगर फिजियोथेरेपी के साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ज़रूर कीजिए। अपने सारे काम अपने दोनों हाथों से करने की कोशिश कीजिए, और दिन में रोज़ 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को वॉक लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस स्पीड से करते हैं, किस तरह से करते हैं, डंडी लेके करते हैं, वॉकर लेके करते हैं, स्पोर्ट से करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है करने और ना करने से। करोगे चलोगे, नहीं करोगे कोई ट्रीटमेंट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पैरालिसिस को समझने में हेल्प करेगा, क्लॉट क्या होता है ब्रेन के अंदर, आपको डिसॉल्व होने पे फ़ायदा होता है नहीं होता, इसको भी समझने में हेल्प किया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से आकर क्लिनिक में मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट नीचे दिए नंबर पर ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से डाइट का ध्यान रखना है, किस तरह से मेडिसिन आपकी चलेगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमारे डॉक्टर से आप उसके बारे में जान भी सकते हैं। आप हमारी साइट scienceengineering.com पर जाकर, एक छोटा सा फॉर्म है जहाँ पे नेम, एज, जेंडर आपने भरना होता है, कितने टाइम से दिक्कत है, किस साइड की पैरालिसिस है, वो आप इसमें फिलअप करके हम इसे डॉक्टर्स को सेंड कर देंगे। डॉक्टर्स से आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको अपनी क्लॉट की दिक्कत को समझने में हेल्प करेगी, पैरालिसिस को समझने में हेल्प करेगी। फिर भी कोई भी कमी रहेगी होगी मेरी तरफ से मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।